क्या होगा आगे क्या महर दोबारा से शबरेज से प्यार कर पाएगी या नफ़रत की आग उसमें इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि वो बिल्कुल भी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी शबरेज की में हमें एक चीज का पता है कि शबरेज की शादी हो रही थी और वो यहाँ पर आकर महर के घर में भी यही कहता है कि मुझे जब पता चला कि मेहर की तलाक हो गई है तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर कर यहाँ पर आ गया अब हम जानते हैं कि मेहर के दिल में ये बात है कि शबरेज ने ही उमान को फोर्स किया था कि भाई उसकी को तलाक दे अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था असल में जो कुछ भी हुआ उन सबका कसूर खुद उस्मान है क्योंकि उस्मान महर से जान चुनवाना चाहता था और उसकी माँ उसको ऐसा करने नहीं देती थी तो उसने प्लानिंग की मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरी माँ भी राजी हो जाए और महर की जिंदगी पे दाग लगता है तो लग जाए क्योंकि मुझे तो जारा चाहिए ये ये राज राज जो है ही रहेगा सिर्फ उस बार जारा को बताएगा कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर किया तुम्हें अब तो यकीन हो गया होगा ना मेरी मोहब्बत पे मैं महर से जान नहीं छुड़वा सकता था क्योंकि मेरी अम्मा मुझे ऐसा करने नहीं दे रही थी लेकिन मैंने ऐसी प्लानिंग